जेसीआई अचलपुर मेलघाट द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्रीमती केशरबाई धर्मचंद्र सराफ इनकी स्मृति में निःशुल्क गर्भाशय एवं स्तन कर्करोग कैंसर निदान भव्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सर्वोदय हॉस्पिटल और लाइफ केयर हॉस्पिटल यह शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 201 टोटल महिलाओं ने चेकअप कर यह शिविर का लाभ उठाया। अजय काकड़े सह शानू खान, एससी न्यूज़, परतवाड़ा। कल दिनांक 22 जून 2019 को सर्वोदय हॉस्पिटल अचलपुर परतवाड़ा, यहाँ पर कैंसर चेकअप कैंप का आयोजन किया था, जिसमें 112 महिलाओं की चेकिंग की गई और जिसमें से 26 महिलाओं के लिए मेमोग्राफी सजेस्ट की गई, जिसके द्वारा हमें ये पता चल सकेगा कि किसी को कैंसर की शुरुआत हो चुकी है या क्या सिचुएशन है। आज हम अचलपुर में है, यहाँ अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल अचलपुर, यहाँ पर भी आज यह दूसरा दिन है जिसमें हम महिलाओं के लिए कैंसर चेकअप कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मेमोग्राफी तथा गर्भाशय की कैंसर टेस्ट के लिए पेप्समियर टेस्ट यहाँ कर रहे हैं। अचलपुर तथा परतवाड़ा नगरी के महिलाओं द्वारा अभी तक का यहाँ पर 45 पेशेंट्स की चेकिंग हो चुकी है और पूरी संभावना है कि आज हम यहाँ 130 से 140 महिलाओं का चेकअप यहाँ करेंगे और अभी तक का एक पेशेंट कैंसर पॉजिटिव पाया गया है, जिसका पहले ऑपरेट किया गया था जिसको, और आज पुनश्च आया है जो पॉजिटिव पाया गया है। और सचिव जेसीआई अचलपुर मेलघाट रवि प्यारलाल जी गुप्ता, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस कैंसर चेकअप कैंप का विचार हमारे मन में कैसे आया। हमारे अध्यक्ष जेसी दीपक जी सराफ सर, इनकी माताजी का अभी अभी देहांत हुआ है पिछले माह में। सराफ सर और हमारे पास प्रेसिडेंट्स, हमारी सभी की मीटिंग में जब चर्चा हुई कि भाई कुछ करना है समाज के लिए तो कैंसर चेकअप कैंप क्यों ना लिया जाए, सराफ सर ने बोले, और एक दिन का खर्चा मैं खुद बेयर करता हूँ, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था और कर भी रहे हैं। इसी के साथ में हमने सोचे कि भाई ये परतवाड़ा के लिए हो गया, अचलपुर के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो परतवाड़ा में सर्वोदय हॉस्पिटल डॉक्टर देवेंद्र सर, इनसे हमें सहमति मिली कि आप हमारे प्रीमाइसेस का उपयोग कर सकते हो। तीच परंपरा तोच विश्वास, एकता ज्वेलर्स, नगर परिषद समोर, मेन रोड, परतवाड़ा। और जो भी सहयोग लगता है मुझसे पेशेंट के लिए या कैंप के लिए, मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही दूसरे दिन का जो चेकअप कैंप है वो अचलपुर में ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सोचे थे, तो अचलपुर में कहाँ लेना। एक्चुअली ये जो रोटरी क्लब की वैन है, हाँ ये वैन बहुत बड़ी है, 40 फुट की वैन है, 15 फुट करीब हाइट है इनकी वैन की, तो वो अचलपुर के सकरे रास्तों से जा पाएंगी क्या। तो फिर सोचा गया कि डॉक्टर जाकिर सर, जिनका जो लाइफ केयर हॉस्पिटल है वो एकदम उपयुक्त जगह है कैंसर चेकअप कैंप के लिए। हमें तुरंत बदरुनिसा मैडम ने हाँ कहा, सर ने बाय फोन उनकी रिकग्निशन दी कि भाई आप कैंप ले सकते हो। मैं दोनों ही डॉक्टर साहब, दोनों ही
डॉक्टर देवेंद्र सर, डॉक्टर जाकिर सर, इनका आभार मानता हूँ कि इन्हें हमारे जो कैंप के लिए हमें प्रोत्साहित किया, और साथ ही हमारे एक और सौजन्यकर्ता श्री ब्रिजमोहन जी बुतड़ा, तुलसी मेडिकल श्री मेडिकल के संचालक, संस्कार स्कूल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर, इन्होंने भी हमें एक दिन का जो खर्च है वो तुरंत जो भी लगता है वो प्रदान किया। आप बोले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बोले जैसे अचलपुर मेलघाट की पूरी टीम को मेरी शुभेच्छा है। इस तरीके से उन्होंने भी हमें हमारी हौसला अफजाई की, और हमारे पास प्रेसिडेंट्स जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए इतनी अच्छी रूपरेखा तैयार की, इतने अच्छे से सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कार्य है ये। हमने आज यहाँ 22 तारीख शनिवार के दिन सर्वोदय हॉस्पिटल अचलपुर रोड पे आज करीब करीब 100 मेंबर का रजिस्ट्रेशन हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही कर लिया था, और करीब 20 से 30 मेंबर्स के लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेस रखी थी कि भाई कोई अचानक ही आ जाता है और कराना है मुझे। उस हिसाब से हमने करीब 120 मेंबर्स के लिए जो जगह है वो अलॉट की वाली थी, और आज 120 के भी अबव हम चेकअप कर लेंगे। अभी तक का फ़िलहाल में 60, अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं और 60 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और अभी 5 से 6 बजे तक का जो समय है उसके अंदर भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आने की उम्मीद है। धन्यवाद।